एक यूट्यूबर होने के नाते ये एक दुकानदार मेरे को गिफ्ट दे रहा है भाई, पहली बार। सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ और अब बज रहे हैं सुबह के 8। तो फिलहाल मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और खाना वाना सब कुछ हो गया है। अब मैं घर से निकलकर सड़क पर आ गया हूँ और आप देख सकते हैं मेरे साथ में प्रकाश और अशोक। अब का सीन ऐसा है कि हम तीनों सड़क पर खड़े हैं और तीनों सिंगल है, हमारे पास में कोई बाइक नहीं है और हम तीनों को जाना है पाटोदी गांव के अंदर, और तीनों हम किसी न किसी के इंतज़ार में खड़े हैं और कोई न कोई आएगा उसे लिफ्ट लेकर हम बजा जाएंगे। खड़े यार, रोड पे खड़े हैं, कोई ना कोई मिल सकता है तो उसके ऊपर चले जाएंगे, उस पर चढ़ कर जाएंगे। हमारे पास न तो कोई बाइक और न ही कोई साधन है, तो देखते हैं क्या, किसी न किसी का इंतज़ार करते हैं, कोई न कोई तो ज़रूर आएगा। भाई हमारे एक बाइक आ गई है, गाइस फाइनली मैं लिफ्ट लेकर एक बाइक पर चढ़कर गांव के अंदर आ चुका हूं और प्रकाश और अशोक तो वहीं पीछे ही खड़े अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो बाइक वाला था वो हमारा ही भैया था, तो वो बोल रहा था कि तीन चार जने बाइक पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो ओनली फॉर मैं अकेला ही आया और वो बाकी पीछे आ रहे होंगे। तो मेरे को यहाँ पर गाँव के अंदर काफ़ी काम है, एक तो मेरे हेयर कटिंग करानी है और भी काफ़ी काम है, तो फिलहाल चलते सबसे पहले हेयर कटिंग करवा लेते, बाल कटवा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power. So guys, hair cutting करवा लिए, अब आप comment करके बताना है कि जो ये मेरी hair cutting आपको कैसी लगी? तो hair cutting करने के बाद में फिर चलते और आगे। तो गाइस मैं बाल कटिंग करवा कर आ गया हूँ और फिलहाल इस रोड पर जा रहा था, तभी इधर मदन भैया की दुकान है और मदन भैया ने मुझे बुलवा दिया कि राजू भाई कहाँ जा रहे हो, एक मेरे दुकान पर भी आप आ जाओ। तो मदन भाई मेरा बचपन का दोस्त है और मैं और मदन भाई काफ़ी टाइम से साथ में रहे हैं। हाय मदन भाई, कैसे हो? आप कैसे हो? काफ़ी दिनों से मिले हो। मैं और मदन भाई काफ़ी दिनों से मिले हैं, इसलिए मदन भाई ने मुझे बुलाया है। मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि भाई मदन भाई ने मुझे चलते हुए को बुलाया है। हाँ तो भाई गाइस चलते अंदर। तो गाइस फाइनली मैं मदन भैया की दुकान के अंदर आ गया हूँ और ये देख सकते हो मदन भैया की मोबाइल की दुकान है, अभी फिलहाल ही लगाई है, कुछ महीने हुए हैं। तो इधर हम और मदन दोनों बैठ कर कुछ बातें करते हैं, काफ़ी टाइम से मिले यार और पक्के दोस्त हैं। तो गाइस ये है मदन, मदन से ही सुन लो कि हमारी और मदन की दोनों की दोस्ती कैसी है। राजू भाई की और मेरी दोस्ती तो काफ़ी टाइम से है, हम स्टार्टिंग से समझो आप स्टार्टिंग से दोनों पहली से लगा, फर्स्ट क्लास से लगा कर बाहरवीं क्लास तक, मतलब साथ में ऐसे है वजन, ऐसा है साथ में पढ़े बारहवीं क्लास तक। आज मैंने तो बाहर जाके थोड़ा कुछ धंधा वगैरह किया और खुद के गांव में शॉप खोल दी मैंने। काफ़ी टाइम से मिले हैं, काफ़ी टाइम बार तो मिलेंगे, मिले थे जब मेरे 25 के ऊपर पार्टी लगी थी छोटी सी, उस पर मदन ने मदन को बुलाया था और आज के उसके बाद आज मिले। मदन ने हमारे लिए ये मंगवा दिया, जूस मंगवा लिया है, थैंक यू मदन जूस के लिए। यो भाई राजू भाई जूस पियो। तो दोस्तों राजू भाई के लिए एक सरप्राइज था आज, मैं किस टाइम से देख रहा हूँ वीडियो में, वो चीज़ राजू भाई के पास में है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि राजू भाई जिस टाइम मेरे को मिलेगा उस टाइम मैं राजू भाई के एक सरप्राइज लाया हुआ, वो आप राजू भाई को गिफ्ट दूंगा। अच्छा तो, गिफ्ट है क्या? हाँ तो आपके लिए गिफ्ट है राजू भाई, वो गिफ्ट है ये लो राजू भाई आपके लिए गिफ्ट। इसमें क्या है भाई? इसमें जो राजू भाई ऐसी चीज़ें जो आपके काम आने वाली है। गाइस गिफ्ट दोस्त ने दिया, गिफ्ट भाई पहली बार दोस्त गिफ्ट वेट करा राजू भाई को, मैं काफी एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया लेकिन दोस्त के नाते पहली बार गिफ्ट मिला, पता नहीं इसके अंदर है क्या, घर जाकर देंगे खोलेंगे। मैं किस टाइम से देख रहा हूँ राजू भाई के पास में वो चीज़ है ही नहीं, सरप्राइज रख करके मेरे पास में रखा हुआ पड़ा है किस टाइम से। मैं राजू भाई इसके अंदर होगा क्या? जो होगा वो काम जाएगा, गिफ्ट होता है यार जो आपके। तो गाइस मदन से काफ़ी बातचीत कर ली है, अब यहाँ से चलते हैं कहीं और पे। तो बाय मदन, बाय। A few moments later. तो गाइस फाइनली अब मैं गांव से यहाँ पर आ गया हूँ मेरे घर पर, मेरे साथ में लक्ष्मण के हाथ में वही गिफ्ट पकड़ा हुआ है जो मदन ने दिया था। तो आप देखेंगे कि जो मदन ने मुझे गिफ्ट दिया है उस गिफ्ट के अंदर क्या है, उसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उसको भाई लक्ष्मण अभी इसको खोल दे।
हाँ तो खोल दे इसको, खोलते वहाँ पर, खोलते इसको, ओपन करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इस जो बॉक्स आया है, जो तो ये जो बॉक्स आया गिफ्ट है, इसके अनबॉक्सिंग हम खुले वातावरण के अंदर कर रहे हैं। खुले वातावरण के अंदर कोई भी वीडियो बनाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो खुले में ही बनाता हूँ। तो हम लोग यहीं हमारे देसी जुगाड़ से इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। मेरा कैमरामैन रहेगा लक्ष्मण और मैं इस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूँगा, इस गिफ्ट को खोलूँगा। तो अभी खोलते हैं इसको। थैंक यू मदन भाई। देखो गाइज, आपको पता है कि मेरा एक सेल्फ स्टिक वो खो गया था शादी के अंदर, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टिक परचेज भी नहीं किया था, ख़रीदा भी नहीं था। गोरिल्ला पॉड खरीदा बट गोरिल्ला पॉड का भी ऑर्डर नहीं आया था। फिर तो मदन ने सोच समझ कर मुझे गिफ्ट भेंट किया है, थैंक यू बोलता हूँ दिल से। तो इसको क्या करते हैं अब, तो इसके अंदर डाल के थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो बना लेते हैं। फाइनली हमने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर ली है और मुझे बहुत खुशी हुई यार, मदन भाई ने मेरे को गिफ्ट दिया है। तो गाइज अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइज आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। चलो और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।